जनपद के निवासी और जनपद के अधिकारी या जनपद के लोग, यहाँ एक आम धारणा हुआ करती थी कि ये जनपद बहुत पिछड़ा है, इसे जनपद में कुछ नहीं हो सकता, हम लोग टाइप नहीं मानते हैं, हम लोग तो देहाती टाइप है। तो एक निराशा का जो भाव था वो हमारे लिए बहुत अच्छी या हमारे लिए शुभ संकेत नहीं थे। इस चीज को हम लोग 2019 में दूर कर देते हैं। 2019 में हम लोगों ने जितने भी काम किए, बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं है, हमारे जनपद में हम लोगों ने जितना काम किया, चाहे छोटा किया चाहे बड़ा किया, चाहे छोटे स्केल पे किया चाहे बड़े स्केल पे किया, जितना हम लोगों ने एक्टिव हो करके और एक्टिविटी की, उतना पूरे उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में नहीं है। मेरा खुला दावा है, कोई भी इसकी जांच करा ले, कोई भी पड़ताल करे। लेकिन हम लोगों ने पहली एक्टिविटी स्टार्टअप इनोवेशन से किया था, उसमें काफी लोग आप लोग थे भी, और मेरी अपनी हिम्मत बढ़ी कि इस जनपद में हम कुछ भी कर सकते। तीन दिन 28, 29 और 30 जनवरी में करीब 50,000 लोग आए। देखो 50,000 लोग आना माने नहीं रखता, आगे बोले कोई लाभ हो जाए, कोई घटना हो जाए और पूरा माना इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जो 28, 29, 30 में जो वहाँ चीज देखने को मिला वो होगा, और उसके बाद हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे। हम लोगों ने उसके बाद चुनाव का माहौल बन गया, चुनाव में हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा 90+ का, और उस अभियान को एक ऐसे तरीके से चलाया गया कि शायद आप लोगों ने भी ऐसा पहले कभी चला था नहीं चला। और उसमें कोई दुखी नहीं था, जैसे चुनाव में लोग बहुत दुखी होते हैं, कुछ करते भी नहीं और दुखी भी रहते हैं, चुनाव नहीं होता है, कुछ करा करेंगे भी नहीं और दुखी भी रहेंगे। लेकिन वो एक ऐसा माहौल बना और उसको हम लोग इतने तरीके से प्राइवेट में काम किए, जैसे उसमें हमने टी शर्ट लाए, ये बैनर लाए, ये खंडवे लाए, और उसका एक अपना जैसे प्राइवेट मोड में कंपेन चलाते हैं लोग, हम लोग उसको प्राइवेट मोड में कंपेन चलाए।